तो आज का हमारा टॉपिक है वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो ये क्या होती है वेब डिजाइनिंग और किस तरह से होता है, इसको जरा सा अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं जरा, पहले मैंने कुछ इसके लिए आपके लिए कुछ चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, इसको हम समझने की शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो एक टॉपिक है वेब डिजाइनिंग, जिसको अभी हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो वेबसाइट, अब वेबसाइट क्या होती है? इसका बहुत आसान जवाब है कि वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब अगर सॉफ्टवेयर की और भी बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी एक सॉफ्टवेयर है, वीएलसी प्लेयर, मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी सारे सॉफ्टवेयर हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक की एप्स, ये भी सॉफ्टवेयर है। अगर हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बनाएं तो दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उनकी मजीद कैटेगरी बनाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो ये आ गया जिसमें ऑफिस ऑटोमेशन है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, नोटपैड, वर्ड पैड, मीडिया प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, और क्या है, गूगल क्रोम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ये सारे वेबसाइट, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो इसी तरह से एक और किस्म है सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है वेबसाइट। वेबसाइट क्यों जरूरी है? इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या तो शेयर करनी होती है या कलेक्ट करनी होती है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी वेबसाइट की जरूरत होती है। लेकिन वेबसाइट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होता। वो कहाँ सेव होता है? वो इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर है जिसका नाम होता है वेब सर्वर, उसमें सेव होता है। और हम उसको जब ही चला पाते हैं जब हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल को। और चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका नाम होता है वेब ब्राउजर। क्या नाम होता है? वेब ब्राउजर। जैसे ये गूगल क्रोम मेरा वेब ब्राउजर है, इसके ऊपर मैं कोई भी वेबसाइट को देख लेता हूँ और ये उसका टाइटल दिखाता है वेबसाइट का। यहाँ पे मैं उस वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूँ, www. whatever जो भी उसका नाम है, और इंटर करता हूँ तो खुल जाता है। लेकिन जब खुलता है, जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो नहीं खुलेगा। तो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं होती और वो चलती किसमें? वेब ब्राउजर के अंदर। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल, सफारी, ओपेरा मिनी, कोई भी वेब ब्राउजर हो, उसको चलाने के लिए वेबसाइट को हमें ये वेब ब्राउजर चाहिए होता है। तो वेब ब्राउजर की एक छोटी सी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका काम क्या है? यूज टू डिस्प्ले वेबसाइट कंटेंट्स। सही है, ये बात क्लियर हो गई। वेबसाइट क्यों जरूरी है ये भी समझ में आ गया, और वेबसाइट क्या होती है ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। एक वेबसाइट को कैसे खोलें? तो ये लिखा हुआ है, एक अदद वेब ब्राउजर चाहिए और एक एक्टिव इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, मतलब जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन हो वो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो हमें रिक्वायर्ड है। और वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? तो ऐसा करें, दोनों आप उधर चले जाओ साइट पे, दोनों नहीं उधर चले जाएं दोनों, ठीक है। तो वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? वेबसाइट का जो एड्रेस है वो ये आ जाए नीचे, जैसे वेबसाइट का नाम होता है उसे हम वेबसाइट का एड्रेस कहते हैं। तो ये जो वेबसाइट का नाम है वही वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है और उसे हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। वेबसाइट का जो नाम है वही वेबसाइट का एड्रेस भी कहलाता है और उसे वेबसाइट का नाम भी कहते हैं। वो कैसा होता है? www.domainname.com, www.domainname.com, ये इसका वेबसाइट का नाम या इसका जो भी डोमेन है वो इसका कहलाता है। अब उसके बाद वेबसाइट कहाँ सेव होती है? अब यहाँ पे देखते हैं कि ये डोमेन नेम किस हिस्से को कहते हैं। ये जो बीच का है ना www के बाद और .com से पहले, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम, ये वेबसाइट का नाम है। और वेबसाइट कहाँ सेव हो रही होती है? वेबसाइट सेव हो रही होती है होस्टिंग स्पेस पर। होस्टिंग स्पेस क्या होता है? देखें, जब आपको अपनी वेबसाइट इंटरनेशनली पब्लिश करनी है, मतलब दुनिया में कहीं भी खोली जा सके, तो आपको ये डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, ठीक है। डोमेन नेम क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। और जब आप उस वेबसाइट को नाम खरीद लेंगे तो उसके लिए, उसको सेव करने के लिए आपको इंटरनेट पर स्पेस चाहिए होगा, इंटरनेट पर स्पेस चाहिए होगा, और उस स्पेस को हम कहते हैं होस्टिंग स्पेस। होस्टिंग स्पेस, होस्टिंग स्पेस क्या होता है? वही जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है जिसको हम वेब सर्वर कहते हैं, जहां हमारी वेबसाइट सेव है, वहीं पर ही 500 MB, 1 GB, 2 GB का स्पेस हम लेते हैं, उसके पैसे देते हैं
और एक नाम खरीदते हैं वेबसाइट का जो होस्टिंग स्पेस के साथ रजिस्टर हो जाता है, और पूरी वेबसाइट हम उसके अंदर सेव कर देते हैं, तो वो लाइव हो जाती है और इंटरनेट पे कहीं भी एक्सेस की जा सकती है पूरी दुनिया में। ठीक है, मतलब 3,000 रुपये का डोमेन लिया, 4,000 रुपये का होस्टिंग लिया, 7,000 रुपये में हम पूरी दुनिया में अपनी इंफॉर्मेशन फैला भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं। अब फैलाना तो आसान है, हमने लिख दिया वेबसाइट के ऊपर जो जो चीज़ें हम बेचते हैं, करते हैं, खरीदते हैं, जो भी है। अब लेते कैसे इन्फॉर्मेशन? ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जॉब एप्लीकेशन, तो वो आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही तो हो रही होती है, ये तरीका भी है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। ठीक है, समझ में आ गया, वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है, वेबसाइट का नाम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर हमारे पास अगला टॉपिक है वेब डिजाइनिंग क्या होती है। मैंने आपको सिखाया कि आपने प्लॉट खरीदना है, मतलब वेब होस्टिंग का स्पेस लेना है, फिर उसको रजिस्टर कराना है, माना उसका एक नाम रखना है। होस्टिंग स्पेस आपने 2 GB का लिया और उसका नाम रख लिया www.horizon.com, ये उसको रजिस्टर करा दिया 7,000 रुपये। अब मसला ये है कि वेबसाइट तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो कहाँ से लाएंगे हम भाई? प्लॉट तो ले लिया, रजिस्ट्री भी करा ली, भाई उसको बनाना भी तो है, वो तो हमें आता ही नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं, बनाने के लिए या तो मिस्त्री हायर करो, ठेकेदार, या फिर आप सीखो कैसे बनता है मकान। तो यहां पर बात हो रही है वेब डिजाइनिंग की। तो वेब डिजाइनिंग क्या है? अ स्किल या प्रोसेस टू क्रिएट अ वेब पेज और वेबसाइट, वेबसाइट को बनाने का हुनर, वेबसाइट को बनाने का हुनर, महारत, तरीका, उसको कहते हैं वेब डिजाइनिंग। बात समझ में आ रही है भाई? तुमने 7,000 रुपये में होस्टिंग और रजिस्टर तो करा लिया, लेकिन अब तुम्हें वेबसाइट तो आती ही नहीं बनाना, तो भाई तुम्हें नहीं आती तो किसी से बनवाओ, वो तुमसे बनवाने के पैसे लेगा, 5,000 ले, 10,000 ले, 15,000, जैसी वेबसाइट होगी वैसे पैसे, सही है? लेकिन अब अगर वो हुनर आपको आता है तो आप खुद बना लेंगे, और आपको हुनर आ गया तो दूसरों को बेचे, मैं आपकी वेबसाइट बना देता हूँ, मुझे पैसे दे देना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी? तो इसको कहते हैं वेब डिजाइनिंग। अब एक वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले वेब पेज क्या होता है इसको समझते हैं। वेबसाइट का एक पेज उसे हम वेब पेज कहते हैं, जैसे बुक्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक पन्ना फाड़ेंगे उसको वन पेज कहेंगे। तो वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस पर मुश्तमिल होती है, तो मैंने ये लिख रखा है अ सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज। व्हाई वेबसाइट इज नेसेसरी? वेबसाइट क्यों जरूरी है? देखिए, अब चूंकि आज ग्लोबल विलेज इंटरनेट का जमाना है और हर काम ऑनलाइन हो रहा है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक फोन आता है कि भाईजान हमारे पास जो है ना LCDs जो हैं वो अच्छे रेट में आई हुई है और आप हमसे ले लें। आपको पता है कि LCD का स्टाइप रेट 35,000 रुपये है और वो आपको कह रहा है 5,000 रुपये में ले लें, और ये काम आपको इंटरनेट पे इश्तहार दिखाया जा रहा है। इंटरनेट पे आप उसको कैसे यकीन करेंगे कि ये बंदा सच है, झूठ है, रियल है, क्या है? इसकी मिसाल यूँ लेते हैं कि अगर कोई फोन कॉल आता है और कहता है हमारी दुकान हाला चौक पर है और हम LCD 5,000 की बेच रहे हैं, तो आप बोलेंगे भाई आप अपनी दुकान का एड्रेस बताएं, नाम बताएं, मैं अभी आता हूं आपके पास। अगर दुकान का नाम और एड्रेस दिया और वो वहां मौजूद है तो इसका मतलब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, हाँ यार ये चीज़ सही है, यहां से लेनी चाहिए। एक रेडी वाला आपको बोल रहा है 5,000 का, मैं हाला चौक पे खड़ा हूँ, आजा मैं ले लेता हूँ, आप उससे कभी भी नहीं खरीदेंगे। वो पता है रेडी वाला आज है, कल होगा नहीं होगा, पता नहीं कौन है ये, पर दुकान एक एग्जिस्टेंस है। इसी तरह इंटरनेट पर जब आप अपने आप को पब्लिश करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेस हैं, प्रोडक्ट हैं, सेल कर रहे हैं, टीचर हैं, कोई भी हैं, तो अपनी सर्विसेज जब आप सेल करना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट चाहिए होगी, ये इस बात की जमानत होगी कि वेबसाइट आपकी अगर है तो उस पर आपका सारा डेटा, आपकी लोकेशन सब मौजूद होगी, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और आने वाले वक्त में सबको अपनी अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, अगर नहीं बनाएंगे तो कोई भी लोग इंटरनेट पे ना कोई कारोबार कर सकेंगे, ना कोई लेन देन कर सकेंगे। तो इसलिए वेबसाइट जरूरी है, और ये एक सस्ता तरीन तरीका है पूरी दुनिया में अपनी तशहीर करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का। देखो अभी छोटा मोटा एडवर्टाइज भी अगर हम लोकल केबल पे चलवाएं तो 15,000 से 20,000 रुपये ले लेगा वो, और वेबसाइट 10,000 से 12,000 रुपये में पूरी दुनिया में 24 घंटे और 12 महीने साल के चलती है, और सिर्फ कितने पैसे खर्च आते हैं? 10,000 से 15,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसलिए वेबसाइट हर किसी को चाहिए होगी। आगे चलते हैं, वेबसाइट कितने किस्म की होती है? वेबसाइट देखें, सबसे पहले जब हम वेबसाइट बनाते हैं वो होती है स्टैटिक, फिर हम एक बनाते हैं डायनामिक, फिर डायनामिक के बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर, या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट पर, सर्च इंजन्स पर, AI एप्स के ऊपर, वेब एप्लीकेशंस के ऊपर। अब ये AI एप्स और वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सर्च इंजन क्या होता है? देखिए, ई कॉमर्स की तमाम वो वेबसाइट्स हैं
जितने पे जिन पे सेल एंड परचेज हो रही है, OLX हो गई, दराज हो गई, अमेजोन हो गई, इट्सी हो गई, शॉपिफाई हो गई, ये वो सारी वेबसाइट जिस पे सेल एंड, आप अपनी बना लें ई कॉमर्स वेबसाइट, वो आपका स्टोर हो जाएगा। सोशल मीडिया, इस तरह की वेबसाइट जिस पे लोग बाग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को कमेंट देते हैं, चिट चैट करते हैं, बातें करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस तरह की वेबसाइट। सर्च इंजन जिस पे लोग बाग वेबसाइट्स के बारे में मालूम ले रहे होते हैं, जैसे गूगल, जैसे वो है इसका माइक्रोसॉफ्ट का बिंगो, जिस पे आप सर्च करते हैं। भाई करोड़ों वेबसाइट है, मुझे तो नहीं पता, मैं नाम लिखता हूँ वो लेकर आ जाता है सर्च करके, तो उसको हम कहते हैं सर्च इंजन वेबसाइट्स। और AI एप्स क्या है, जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट्स है, बेसिकली वो एप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उनके ब्राउजर के अंदर वो चलते हैं, यानी कि वो हमारे कंप्यूटर में तो इंस्टॉल नहीं हो रहे, वो सर्विसेज वेबसाइट्स के ऊपर है, जैसे कि ओपन ChatGPT है, जैसे कि Leonardo.AI है, अब एक ब्लैक बॉक्स AI है, बहुत सारी AI एप्स हैं, उनको भी वेबसाइट्स ही कहते हैं, लेकिन वो AI के ऊपर वेबसाइट वेब ब्राउजर पर चल रहे होते हैं, AI बेस्ड होती है, जो ना कोई काम हमें करके दे रही होती है। वेब एप्लीकेशन होती हैं, ये किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे एक तो मिसाल के तौर पर वर्ड हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसमें चल रहा होता है, एक्सेल इंस्टॉल करते हैं उसी पे चलता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, फोटोशॉप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर हम अपने कंप्यूटर, वेब ब्राउजर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं फिर चलता है, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो नहीं चल रहा होता। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो वेब एप्लीकेशन के तौर पे काम करते हैं, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह अगर हम गूगल डॉक्स यूज करें तो गूगल डॉक्स भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो वेब ब्राउजर पे चलेगा। फोटोशॉप का एक और वर्जन है फोटोशॉप एक्सप्रेस के नाम से, वो वेब ब्राउजर पे चलेगा इंटरनेट की मदद से, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फीचर उसमें थोड़े कम है लेकिन वो काम उसी तरीके से करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो वेब बेस पर चल रहे होते हैं उनको हम वेब एप्लीकेशंस कहते हैं, या ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं और ये सारा काम हम इसी पे कर रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक वेबसाइट से। स्टैटिक वेबसाइट क्या है? स्टैटिक माने होता है फिक्स्ड, जो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहे, यानी कि ऐसी वेबसाइट जिसको हमने डिजाइन किया, पूरा बनाया और उसको इंटरनेट पे होस्टिंग लेके अपलोड कर दिया और उसका डोमेन भी लेके लगा दिया, लेट्स सपोज www.horizon.com। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट की खासियत और डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई वो वेबसाइट जैसी डिजाइन की है, जो कंटेंट डाला है, जब भी खोलेगी वही दिखाएगा, जब भी कोई इसको ओपन करेगा वही दिखाएगा। वेयर इज डायनेमिक वेबसाइट्स, या इन सारी वेबसाइट्स की जहां मैंने बात करी, जब भी ये ओपन होती है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, जैसे यूट्यूब को जब भी खोलेंगे वो नया कॉन्टेंट दिखाएगा, दराज को खोलेंगे नए एडवर्टाइज आ जाएंगे, अमेजोन को खोलेंगे नई चीज़ आ जाएंगी, फेसबुक खोलेंगे नए चीज़ें आ रही होती हैं, वो ऑटो अपडेट हो रही होती हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो हर दफ़ा अपडेट खुद से हो जाए उनको कहते हैं डायनेमिक, और जो रिमेन सेम वो कहलाती है स्टैटिक। जैसे हमने न्यूज़पेपर जो आज छप गया वो वैसा ही रहेगा जैसा है, ऐसी वेबसाइट्स को हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। ठीक है, तो अब कहाँ से शुरू करें? अच्छा, ये वेबसाइट कहाँ सेव होती है इंटरनेट पे, तो बता रहे हैं इंटरनेट पे वेबसाइट सेव होती है कंप्यूटर, जिसको हम कहते हैं वेब सर्वर, और ये ऑलवेज इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इसलिए हमारी वेबसाइट 24 घंटे यानी कि 24/7/365 days जो है वो एक्टिव और लाइव रहती है। सही है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, कोई सवाल पूछना है तो बीच में भी इंटरप्ट कर लें, अगर फिर बाद में आगे चले जाएंगे तो फिर वो पीछे वाली बात नहीं समझ में आएगी, तो फिर वो मसला होगा आपके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो काम है वेबसाइट डिजाइनिंग का, जो हुनर है, वो हम कैसे सीखना शुरू कर सकते हैं, हाउ टू लर्न? तो इसके लिए तरीका ये है कि भाई यू शुड लर्न सम इजी लैंग्वेज, आपको सीखनी होगी कुछ आसान लैंग्वेजेस, और यहाँ पे लैंग्वेज से मतलब है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। तो इसका पाथ ये है कि सबसे पहले आपको सीखना होगा HTML, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का पूरा वर्ड है, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बूटस्ट्रैप जो कि एक फ्रेमवर्क है, और JavaScript जो कि एक अदद बहुत ज़्यादा इस टाइम फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये क्लाइंट साइड भी है, अब तो सर्वर साइड भी इसका वर्जन आ गया है, ये वैसे कहलाती थी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन अब इसका सर्वर साइड वर्जन भी आ गया है, JavaScript अब सर्वर साइड पर, और ये बहुत एडवांस लैंग्वेज है, आज के दौर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इसकी, तो ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? HTML से, और ये पूरा पैकेज हमारा वेब डिज़ाइनिंग का बनता है, और उसके साथ फोटोशॉप जो ऑलरेडी आप सीख ही रहे हैं फोटोज़ वगैरह एडिट करने के लिए, तो इमेजेस वगैरह उस पर सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो HTML लेते हैं यहाँ पे, तो HTML क्या है? अच्छा, इससे पहले हम चलते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें अपने कंप्यूटर में रिक्वायर होंगे इस तरह का काम करने के लिए। तो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें हमें चाहिए होगा एक अदर टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल कोड, जो हमें कोड लिखने के लिए अलाउ करेगा जो भी वेबसाइट से रिलेटेड होगा, यानी कि कोड हम लिखेंगे HTML का और लिखेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। वेब ब्राउजर चाहिए होगा,
तो वेब ब्राउजर जो है वो हमें रिक्वायर्ड है गूगल क्रोम, जो कि गूगल कंपनी का है, क्रोम उसका नाम है जिसपे हम टेस्टिंग करेंगे। आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड है गूगल क्रोम यूज कर लें, ये अपडेटेड है और बहुत ज्यादा यूजेबल है, क्योंकि वेबसाइट को देखने के लिए वेब ब्राउजर रिक्वायर्ड होता है, उसके बगैर हम नहीं चला सकते उसको। ठीक है, तो आ जाते हैं HTML क्या है। HTML इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड डिफाइन कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम टेक्स्ट को लिंक्स कर सकते हैं आपस में और वेबसाइट के कंटेंट बना सकते हैं। कंटेंट में स्ट्रक्चर भी आ गया, कंटेंट में जो उसका टेक्स्ट है वो भी आ गया। ठीक है, एक वेबसाइट का स्केलेटन बना सकते हैं, ढांचा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? पहले क्या बनता है मकान का? मैप। मैप फिर पहले क्या बनता है बुनियादों पे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको स्केलेटन कहते हैं, ढांचा कहते हैं। भाई मेरे मकान का ढांचा बन गया, तो वो जो ढांचा बनाने का काम है वो आप करेंगे HTML के अंदर। फिर उसकी डिजाइनिंग का जो काम है वो आप करेंगे CSS के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर। और फिर जो उसके अंदर सिस्टम्स डेवलप करने हैं, कोड्स लगाने हैं, या कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करानी है, वो आप करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बहुत ज्यादा एडवांस पे चला जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए, HTML पर आ जाते हैं हम, तो HTML से हम शुरू करेंगे। यानी कि हर कोई यहीं से शुरू करता है और ये सीखना अच्छा है, सीख लेंगे तो आगे चल के आपको कोई भी नए से नया वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में आसानी होगी। तो HTML हर जगह पे आपको हेल्प कर रहा होगा। HTML कमांड्स आर कॉल्ड टेक्स्ट। जैसे C++ के फंक्शंस को हम कहते कमांड्स को हम कहते थे फंक्शंस, ऐसे HTML की कमांड्स को हम कहेंगे क्या? टेक्स्ट। और ये दो तरह के होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग।